गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मिस्टर संदीप कुमार वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ टेस्ट बिकॉज दिस टेस्ट ब्रश अप योर माइंड्स। ओके, सो यू कैन सी हियर जस्ट लाइक यू हैव टू गिव टेस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड ट्राई टू कंसंट्रेट योर सेल्फ for your video on your mobile, then write answers. Okay, you have only 15 questions, so you must not take more than 15 minutes. Okay, see your question. And brush up your minds. It's okay. Now I am going to discuss all the questions one by one, but you have still to write your answers in your copy, then check out your answer and match it with solution. Okay, let's we start. First question is question number first is let us write one. Okay, -5/16 +7/12 equal to what? Okay, you have four options: 1/24, 13/48 and -7/48 and 1/3. You add this -5/16 multiply by 3, have a numerator and denominator, and 7 multiply by 4/12 multiply by 4, and I get -15/48 and +28/48, and I got 13/48. Okay, 13/48. The right option is B. Okay, here you can see this is very easy question to you. And next is question number 2. Say 3 + 5/-7. Okay, you have to add this. Okay, I can write 3 × 7/7 + 5/-7. Okay, and 21/7, you got it. You multiply -1. Okay, with plus, so you know -1 + 1 = -1. Okay, so here you can write -5/7. आप जानते हैं कि 5/-7 को हम -5/7 भी लिखते हैं या -5/7 होल इस तरीके से भी लिखते हैं. This is not a problem and I think we will do it. And 21 - 5/7, okay, and 16/7. Right option is B. Second B. Okay, I think you understand it. And next question is additive inverse. Additive inverse. Inverse of -2/-5. तो -2/-5 का additive inverse कौन होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2/5. ओके, चूंकि आप क्या करो, -1 ऊपर में मल्टीप्लाई करो, -1 नीचे मल्टीप्लाई करो, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 = 1 होता है. ठीक है, तो ये 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा.
ठीक है, तो इसका मल्टी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब है कि इसमें कोई नंबर ऐसा जोड़ा जाए जो इसको जीरो बना दे। तो माइनस ऑफ 2/5 हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस ऑफ 2/5 ऐड करेंगे तो ये जीरो रिजल्ट देगा। तो माइनस ऑफ 2/5 इज द एडिटिव इन्वर्स, राइट ऑप्शन इज 2/-5, सो आंसर सी इज करेक्ट। एंड आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/7। -3/7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, अब जानते हो मैंने बताया था मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स कि इसमें से कुछ मल्टीप्लाई ऐसा करना है जो इसे 1 में कन्वर्ट कर दे। तो 7/, ठीक है, -7/3 मल्टीप्लाई करो और ये, ठीक है, 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -7/3। चलिए, राइट ऑप्शन इज बी, 4b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज 0। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ कर चुका हूँ, तो 5 दिखा भी चुका हूँ, 5 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए 6 में आता है, द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर में जैसे ये 3/7 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड, मात्र एक ही केस है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इसको डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं रखा जाता है, और कोई बात है नहीं, ओके। और ऐसा भी होता है कि जैसे देखे 3/2, ये तो रेशनल नंबर इक्वल टू 3/2 है ना, तो ये तो रेशनल नंबर दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मात्र एक ही केस है, इसके चलते हम डिवीजन को आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन में रखते हैं। तो इसका आंसर 6 का राइट आंसर डी होगा, डिवीजन। चलिए 0/2/3 जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या होता है, 0। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर 0, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एंड 8 नंबर क्वेश्चन, 2/3/0 2/3/0 इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज नॉट डिफाइंड, सो बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एंड इट ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, नॉट डिफाइंड, स्मॉल डी है, ठीक है, डी। 9th नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, P/Q + R/S + T/U = P/Q + R/S + T/U। चलिए, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ये ब्रैकेट जो चेंज हो गया, पहले R/S + T/U पे लगा हुआ था ब्रैकेट, अभी ये खिसक के इधर चला आया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, क्या इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिच। तो इसका आंसर होगा एसोसिएटिव, ऑप्शन 9 का ब्रिज ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अब एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखा जाए, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, जैसे 2/3 ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल पूछ देगा तो 1/2/3, ठीक है, 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, देखना 3/2 आ गया, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, 3/2 आ गया, तो कोई रेशनल नंबर और उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, उलट के लिख दिया,
रेसिप्रोकल है, 1/3, 2/3 को 3/2 बोल देंगे। तो कितना होगा, क्या होगा, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो रेशनल नंबर इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो इसको देखिए, 2/2 1, 3/3 1, 1 × 1 = 1, 10 का आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। चलिए 11 में आइए, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर -2/5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, -2/5 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 2/5 होगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है, -2/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/5, ये दोनों को ऐड कीजिए 0 होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा तो -4/25, ठीक है, ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ रेशनल नंबर 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेशनल नंबर 4/7, कोई रेशनल नंबर 4/7 है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/4, तो ये दोनों का ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आएगा, तो आप जान लो ये हो जाएगा नीचे 28 और 49, यहाँ होगा 28 + 49, ठीक है, 28 + 16 + 49, ये हुआ 65, ठीक है, 65/28, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 का बी सही है, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 0, वन ऑफ देम इज -4/5, कहता है दो रेशनल नंबर का सम 0 है, दो रेशनल नंबर का सम 0 है और 1 इज -4/5 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन अदर इज तो -4/5 में क्या ऐड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो 4/5 ऐड कीजिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5, कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, बी से, 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चले आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1, इफ वन ऑफ देम इज 10/3, दो रेशनल नंबर 10/3 × x = 1 आ रहा है, ठीक है, वन रेशनल नंबर इज 10/3, देन अदर इज, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा 10/3 में, कि ये 1 देगा, 3/10 एक्स कॉट आइए, 3/10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 10 / 1 3/10, ये ऑप्शन नंबर 14 का ए सही है। और 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन, इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा वीडियो ही, जरा देखिए, रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन इज, ये जो पॉइंट पी है वो कौन सा होगा, क्या होगा, आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, ये 0 है, 0 के बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं और -1 इतना दूर में है, ठीक है, और -1 टोटल इसको 5 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। आप जरा देखें कि 0, ये 0 है, 0 से -1 के बीच के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट में बांट दिया गया है, तो हम सीधे सीधे काउंट कर लेंगे, 0/7 -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5 -6 -7/7, ठीक है, -7/7 -1, तो ये क्या हो गया -7/7, और ये इसका ऑप्शन बी -3/7 सही है, ये 0 था, ठीक है, ये 0, तो हमने तो पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको देख के बताना था इसका ऑप्शन बी सही है। स्टूडेंट्स जब ये इतना आप करते हैं, आप अगर टेस्ट दे लेते हैं, अगर आपको 15/15 मार्क्स आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अगर थोड़ा कम आता है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको वीडियोज देखना चाहिए, देखना होगा और पढ़ना ही होगा, ठीक है, कुछ नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी वीडियो अगर बोरिंग लगे तो उसको फास्टली आप देख सकते हैं,
जैसे यूट्यूब पे जाइए और उसका प्लेबैक स्पीड को 2 क्रॉस कर दीजिए या 1.5 क्रॉस कर दीजिए, तो वो स्पीड बढ़ जाएगा और जो 20 मिनट का वीडियो आप 10 मिनट में भी देख सकते हैं, ठीक है। स्किल इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाइए। और एक क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है 1G आपको बनाना है घर पे बैठ के, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका व्हाट्सएप पे भी मैं फ़ोटो खींच के भेज दे रहा हूँ। सो एंजॉय योर सेल्फ एंड डू समथिंग बेटर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।